हेडलाइन मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब चाचा ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए तमंचे से अपने भतीजे भतीजी को गोली मार दी। गोली से घायल दोनों लड़के लड़की को जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है जमीनी विवाद की रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस आरोपी चाचा की तलाश में जुटी हुई है। घटना थाना सिंधौली के नगरिया बुजुर्ग की है, जहां आज बीती रात चाचा निरपाल अपनी भाभी से जमीनी के गाली गलौज कर रहा था। इतने में ही जब भाभी घर के बाहर निकली तो उसने तमंचे से अपने भतीजे अक्षय और भतीजी के तमंचे से गोली मार दी। दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन कर चाचा निरपाल की तलाश में भी जुटी हुई है। आइए सुनाते हैं सुमन घायल अक्षय की मां का क्या कहना और अरुण पाराशर डॉक्टर ने क्या कहा। कैसे लगी गोली? गोली मारी हूँ। किसने मारी? छोटे भाई निरपाल। सगा भाई? आपका सगा भाई है। क्यों मारी? थोड़ी छोटे सबसे छोटे भाई की जगह थी, हमने खरीदी थी। अच्छा। वो कह रहे थे हम ले, तो हमने खरीदी, हम समय गए थे, तो उसे एक विवाद हमारी हमने हमारे पहले मम्मी ना रही मारे करते ही, फिर हमारे लड़का के नारे करते, तो उन्हें कहे तो हमारे हम तो मन तो कल गोली मारती, तो कल लड़का हमारे मन लगा तो गोली मारती हो, कहीं हमें तो मन नहीं मन नहीं है, तो हम तो अपने घर चले गए। जय उनके पीछे उनके पीछे गोली उनके चलाई नहीं, अब तो उनके रास्ता में खड़े हैं, तो इसके लिए निकल गोली थी उनके जाके लगी। अच्छा, 12 की थी? ना 15 की। 15 की गोली थी? 15 की गोली। लाइसेंस ही थी? नाजायज थी? नाजायज थी। बताना है कहाँ से लिया? तो ये दोनों बच्चे साथ साथ खड़े थे क्या? हाँ साथ साथ खड़े थे, भैया भाई नहीं था। तो आपका ये जो बड़ा भाई है? हमसे छोटा भाई। छोटा भाई है। सबसे छोटे भाई की जगह हमने खरीदी थी। सबसे छोटे भाई की मारी जगह लाई उसके खाता। कैसे? दारू के खाता, दारू पी के आया, फिर हम उनके द्वारे अपने मम्मी दुकान दुकान के द्वारे बैठे हम हमारे तो झपड़ मारे झपड़ मारे, तब हम तो देर के लात भाई से पहुँचा लेके पहुँचे, तो फिर मेरे यहाँ तो भाजी गए बच्चे पर। बच्चे आए हैं थाना सिंधौली से, और एक जो क्या नाम है लड़का अक्षय है, उसके पैर में गोली लगी है, दाहिने पैर में, और साबित लगता है कि उसका फ्रैक्चर भी हो गया, क्योंकि उसका इलाज शुरू कर दिया है और उसको ऑब्जर्वेशन में अपने यहाँ रख लिया है। दूसरी जो लड़की है उसका भी इलाज शुरू कर दिया है, उसको जेरे निगरानी में रखा हुआ है। अभी वो एक्सरे के बाद में पता लगेगा गनशॉट की उसके अंदर कुछ चल रहा है या कुछ भी है, क्योंकि उसके हल्का से चोट जो है दाहिने पैर में लगी है, उसके नीचे एंकल जॉइंट के पास में, तो उसको भी अपने यहाँ उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है, दवाई उसकी चालू कर दी, एडमिट कर दिया दोनों बच्चों को। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब